रविवार रात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूएसए से आए एक यात्री को विमानतल से लिया और उसकी जांच हेतु टीम अस्पताल लेकर पहुंची। फिलहाल यात्री को 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा, उसके बाद 24 दिन उसे घर पर ही रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी मिली थी कि दिल्ली से आ रही फ्लाइट में एक यात्री यूएसए से आ रहा है। दरअसल इंदौर निवासी युवक सुबह यूएसए से लौटा है, वो दिल्ली आया और वहां से इंदौर, उसके बाद यात्री को टीम आइसोलेशन वार्ड लेकर पहुंची, जहां 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। जो ये पेशेंट थे, ये यूएसए से ट्रेवल करके दिल्ली आए थे और यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेकर इंदौर आए हैं। तो इन्हें हमने वहाँ से एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग करके इनका टेम्परेचर लेकर और जो इनकी हिस्ट्री थी वो लेकर अभी 108 एम्बुलेंस से इनको यहाँ पे लेकर आए हैं। यहाँ पे इनको जो भी जानकारी थी वो दी गई है कि कैसे आइसोलेशन में रहना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। इसके बाद में इनको घर पर भेजा जाएगा और जहाँ पे इनके जो परिजन वगैरह हैं उनके सेफ्टी को देखते हुए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उनको ये फॉलो करते हुए 14 दिन तक रहेंगे। अगर कोई सिम्टम मिलेंगे तो इनकी जो भी वहाँ पे जाके घर जाके जो भी टीम होगी वो सैंपल ले लेगी और उसकी जांच हो जाएगी। 14 दिन तक अगर ये क्वारंटाइन अगर हो जाएंगे तो मिनिमल इनका जो कॉन्टेक्ट रहेगा कम्युनिटी में वो पॉसिबल हो पाएगा, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं। हमारी टीम यहाँ पे 24 घंटे सतर्क है, पूरे कॉपरेशन से काम कर रही है, सीएमएचओ सर के निर्देश के ऊपर काम कर रही है और जैसी जानकारी मिलती है तो हम लोग एयरपोर्ट पे जाकर या जो भी घर वगैरह पे जाकर हम लोग इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित कुमार तिरोले है, मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ। फिलहाल 24 घंटे यात्री को यहीं रहना होगा, सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद छुट्टी होगी और फिर 14 दिन यात्री को घर पर रहना होगा। उस दौरान भी उसे दिए हुए निर्देशों का पालन करना होगा।